भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल आरोप नहीं है, मेरे पास इसके सबूत हैं। भाजपा नेता ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच होने पर इसके सबूत अपने आप मिल जाएंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि ममता सरकार बांग्लादेश से शूटर बुलाकर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है। सरकार शूटर बुलाकर हमला कर सकती है। ममता बनर्जी ने कोविड-19 के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए राशन को खा लिया। टीएमसी के लोग टीएमसी नेताओं को भी मारते हैं, बम फेंकते हैं। सरकार के अंदर ही बंदरबांट है। विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर अपने विरोधियों का सफाया करने के लिए बांग्लादेश से शूटर बुलाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने 8 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों पर राज्य सरकार द्वारा रसायन युक्त पानी फेंकने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस पानी के कारण बहुत सारे कार्यकर्ता बेहोश हो गए थे। वहीं बुधवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक पत्र साझा किया है, जिसमें सरकार की आलोचना करने के लिए बोलियाघाट विस्फोट की घटना का उल्लेख किया है। उसे प्रमुख उल्लंघनकर्ता और नागरिकों की पीड़ा देने वाला बताया, जिस पर उनके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघनों, राजनीतिक हिंसा और अन्य मुद्दों पर विभिन्न मौकों पर राज्य सरकार के साथ उठाए हैं। उन्होंने एक पत्र साझा किया जो उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गत 11 अक्टूबर को लिखा था, जिसमें उन्होंने राज्य के खराब होती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता भी जताई थी।